Good morning dear student. How are you? I hope you are all good and your ma'am is also good. Today I teach you English subject. This is your English book, chapter 9, page number 2 Your chapter name is I <coughs> A M M. I M Oblique U Y O U A R E R. आई एम ऑब्लिक यू आर मतलब आई एम और यू आर के का यूज़ करना यूज ऑफ आई एम एंड यू आर ओके अब आई आई, आई मीन्स क्या होता है आई की मीनिंग क्या होती है मामा पर आई की मात्रा मैं आई मिस मैं एम मतलब हा हा पर बड़ाऊ की मात्रा हूँ पर चंद्रबिंदी हूँ मैं हूँ आई मिस मैं एम मतलब एम मतलब की मीनिंग क्या होगी हूँ आई एम इसमें एम की मीनिंग हूं ऑब्लिक यू यू मिस तुम वाई ओ यू यू मिस तुम एंड आर मींस हाहा पर ओ की मात्रा हो ओके आई आई एम मैं हूं यू आर तुम हो ओके लेट स्टार्ट आई एम ओके okay? मैं हूँ अब मैं मैं हूँ के बारे में आपको टीच कराऊंगी ओके आई आई एस इज यू एस ई डी यू डब्ल्यू एच ई एन वैन टी एच ई डा पी ई आर S O N person I S is S P E A K I N G speaking A B O U T about H I M him एस ई एल एफ सेल्फ आई इज यूज वेन द परसन इज स्पीकिंग अबाउट हिम सेल्फ मीनिंग मैं हूँ मेरा उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति अपने बारे में बोल रहा होता है जैसे आई का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपने बारे में बोलते हैं जैसे मैं मैं एक लड़की हूँ जैसे जब मैं मैं अपने बारे में किसी को कुछ बता रही हूँ तो उस जगह पर हम आई का यूज़ करते हैं ओके जैसे आई एम अ गर्ल है ना मैं एक लड़की हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम आई एम अ टीचर ओके मैं एक अध्यापक अध्यापिका हूँ ओके सो so, इसी तरह से आई का यूज़ किया जाता है ओके सो so, स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल आई आई मिस मैंने क्या बताया है मैं एम ए एम 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 मीस हूँ ए ए मीस मैंने आपको ए और एन ए एन एन में बताया था ए और ए एन एन दोनों में क्या यूज होता है क्या होता है एक है ना ए और ए एन दोनों की मीनिंग क्या है एक ओके तो आई एम ए मीस एक जी आई आर एल गर्ल गर्ल मिस लड़की गर्ल मिस लड़की तो आई एम ए गर्ल मैं एक लड़की हूँ ओके इस लड़की ने अपने बारे में परिचय दिया है ना आई एम ए गर्ल मैं एक लड़की हूँ मीनिंग ऑफ आई एम ए गर्ल मीनिंग आई मैं एक लड़की हूँ द नेक्स्ट आई एम ए बॉय आई आई मिस मैं ए एम 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 मींस हूँ ए ए मिस एक बी ओ वाई बॉय बॉय मिस लड़का अब जैसे जो बॉय है मीन्स लड़का है तो वो अपना अपना इंट्रो कैसे देगा आई एम ए बॉय मैं एक लड़का हूँ ओके आई एम ए बॉय आई मिस मैं एम मिस हूँ ए मिस एक बॉय मिस लड़का मैं एक लड़का हूँ ओके दे नेक्स्ट आई एम आई ए आई मिस मैं ए एम 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 मिस हूँ ए ए मिस एक पी ओ एल आई सी ई पुलिस एम ए एन मैन पुलिस मैन आई एम ए पुलिस मैन मैं एक पुलिस वाला हूँ ओके आपको इसको इसी तरह से पढ़ना है ओके जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है हु आर यू जैसे गर्ल है तो गर्ल या बॉय दोनों हैं जैसे आप स्टूडेंट हो मान लीजिए जैसे देव देव हैं ओके एंड वैष्णवी हैं सॉरी वैष्णवी वैष्णवी एंड देव वैष्णवी गर्ल हैं एंड देव, है, देव बॉय हैं ओके अब इसमें मैंने वैष्णवी से क्वेश्चन पुट किया हु आर यू तो वैष्णवी क्या है वैष्णवी एक गर्ल है ना तो मैंने वैष्णवी से क्वेश्चन पुट किया हु आर यू वैष्णवी क्या बोलेगी क्या स्पीक करेगी टेल मी यस आई एम ए गर्ल ऐसे देन नेक्स्ट यहाँ पर मैंने देव बोला है ना तो मैंने देव से क्वेश्चन पुट किया हु आर यू देव ओके देव तुम कौन हो ओके हु आर यू देव क्या स्पीक करेगा आई एम ए बॉय मैं एक लड़का हूँ ओके okay? आपको इसको इस तरह से करना है ओके द नेक्स्ट इसमें आ रहा है वाई ओ यू यू मिस तुम ए, आरी, ए आरी, आर ई ए आर ई आर आर मिस हो यू मिस तुम आर मिस हो मैंने जैसे बताया है ना आई मिस मैं और एम मिस हूँ ओके okay? मैं आई एम मैं हूँ यू आर तुम हो ओके okay, अब यहाँ पर हम तुम का यूज़ करेंगे है ना किसी तुम का है यहाँ पर मैंने अपने बारे में बताया जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया ना कि जब आई एम का यूज़ हम कब करते हैं जब हम आई का उपयोग हम तब करते हैं जब हम अपने बारे में किसी से कुछ कहते हैं ओके okay? जैसे मेरा है ना आई का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति अपने बारे में कुछ बोल रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है बता रहा है ओके स्पीक कर रहा है द नेक्स्ट यू आर यू आर मिस तुम हो वाई ओ यू यू मिस तुम आई एस इज इज मिस हैं इज यू एस ई डी यू टी ओ टू एम ई एन मीन टी एच ई पी ई आर एस ओ एन पर्सन ओ आर आर पी ई पी एल ई पीपल वाई ओ यू यू ए आर ई आर टी एल के आई एन जी टाल टी ओ टू यू इज यूज टू मीन द पर्सन और प्लेस सॉरी पर्सन और पीपल और यू आर टाल टू मीनिंग यू आर मीस तुम हो का उपयोग आप उस व्यक्ति तथा लोगों से अभिप्राय करते हैं जिनमें आप बात कर रहे हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं ना इस, इस यू आर का प्रयोग में आप उस व्यक्ति से अभिप्राय कर रहे हैं जिससे आप बात करें जैसे तो आपका जो दूसरा व्यक्ति जैसे आई मिस मैं हो गए और जैसे यहाँ पर देव हो गए ओके तो आई मिस मैं मैं देव से बात कर रही हूँ ओके तो देव है ना देव दूसरा व्यक्ति हो गया तो इसमें मैं यही बोल रही हूँ कि जब दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं अपने बा, है ना जब जब दूसरे व्यक्ति जिनसे है ना आप जिनसे बात करें दूसरे व्यक्ति से जैसे मैं बात कर रही हूँ जैसे देव से मैं बात कर रही हूँ ओके तो वहाँ पर हम यू आर का यूज़ करते हैं ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई ओ यू यू मीस तुम ए आर ई आर आर हो ए मीन्स एक बॉय मीस बी ओ वाई बॉय बॉय मीन्स लड़का ओके okay? तो यू आर ए बॉय मीन्स तुम एक लड़के हो है ना तुम एक लड़के हो द नेक्स्ट यू वाई ओ यू यू मीन्स तुम होता है, है ना तो यू वाई ओ यू ए आर ई आर एफ ए टी फैट फैट मीन्स मोटा ओके यू आर फैट यू आर फैट तुम मोटे हो यू आर फैट यू आई ओ यू ए आर ई आर एफ ए टी फैट फैट मीन्स मोटा तो यू आर फैट तुम मोटे हो ऐसे द नेक्स्ट यू वाई ओ यू ए आर ई आर ए जी आई आर एल गर्ल यू आर ए गर्ल तुम एक लड़की हो ओके जब हम इसमें हम जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ यू आर ए स्टूडेंट ओके जैसे आप मे जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ है ना अब आप हमारे स्टूडेंट तो हुए दोनों है ना देव दिव्य सॉरी वैष्णवी और देव हमारे क्या हैं स्टूडेंट हैं तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया यू आर ए स्टूडेंट ओके तुम है ना तुम एक स्टूडेंट हो मीन्स तुम एक छात्र हो विद्यार्थी हो ओके okay? तो इसी तरह से आपको पढ़ना है दिया स्टूडेंट जैसे मैंने आपको इसको टीच कराया इस वीडियो को लिसन एंड केयरफुल ओके ध्यान से सुनिएगा ओके और इसको कॉपी में भी राइट करिएगा ओके और इसको अच्छे से समझिए कि मैंने आपको इसमें क्या कैसे समझाया ओके यू और यू आर के बारे में ओके थैंक यू गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट अभी मैंने आपको यूज ऑफ आई एम और यू आर टीच कराया है इस वीडियो में आपको राइट करना कराऊंगी ओके सो सबसे पहले आपको क्या राइट करना है डेट मेंशन करनी ओके टुडे डे विच डेट टेल मी यस टू टू ट्वेंटी टू एंड मंथ आपका वन टू ट्वेल्व एंड नेक्स्ट यर आपका ट्वेंटी ट्वेंटी देन राइट योर नेम स्पेलिंग एंड देन एच डब्ल्यू मैंशन करना है ओके सो फर्स्ट फर्स्ट रो में आपको राइट करना है यू एस ई यूज ओ एफ ओ आई आई ए एम एम आई एम हॉपलिक वाई ओ यू यू ए आर ई आर यू आर आई एम यू आर अब जैसा कि आपको पता है आई के साथ हम एम एम का यूज़ करते हैं एंड यू के साथ वाई ओ यू के साथ ए आर ई आर का यूज़ करते हैं ओके सो डियर स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको आई एम और यू आर के बारे में अच्छे से टीच कराया था आई होप आपको समझ में आया होगा सो आज मैं आपको आई एम और यू आर के बारे में एक बार फिर से रिपीटेड करते हुए टीच कराऊंगी, ओके जिससे कि आपको ये और अच्छे से आ जाए ओके सो लेट स्टार्ट डियर स्टूडेंट मैंने आपको इससे पहले बताया था ना कि आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं एंड यू के साथ योर आर का यूज आर का यूज़ करते हैं ओके सो यहाँ पर ए एम एम राइट हुआ है ए टी ई ए सी एच ई आर टीचर एम एम ए टीचर अब देखिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे जैसे कि मैं आपको टीच करा रही हूँ तो मैं आपकी क्या हूँ टीचर है ना मैं आपको टीच करा रही हूँ टीचिंग करा रही हूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी क्या हूँ टीचर हूँ तो मैं बोल रही हूँ आई एम ए टीचर ओके मैं टीचर हूँ ओके okay? और आप क्या हो अब मैं आपके बारे में क्या बताऊंगी यू यू आर ए स्टूडेंट आई एम ए टीचर मैं टीचर हूँ मैं एक टीचर हूँ एंड वाई ओ यू यू आ ए आर ई आर एस टी यू टी ई एन टी स्टूडेंट तुम तुम एक विद्यार्थी हो ओके okay? मैं एक टीचर हूँ और तुम एक विद्यार्थी हो तो नेक्स्ट अब यहाँ पर नेक्स्ट पायलट है है ना अब यहाँ पर पायलट जो है पायलट बोल रहा है आई एम ए पायलट पायलट जानते हैं आप कौन है ना पा पायलट जहाज चलाता है जो जहाज चलाता है है ना उसे पायलट कहते हैं तो आई एम ए पायलट हवाई जहाज़ कौन चलाता है पायलट चलाता है ना तो आई एम ए पायलट मैं एक पायलट हूँ एंड पायलट क्या बोल रहा है पुलिस किससे बोल रहा है पुलिस मैन को क्या बोल रहा है यू आर ए पुलिस मैन तुम एक पुलिस मैन हो तो वाई ओ यू आर ए पुलिस मैन जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम ए टीचर मैं एक टीचर हूँ यू आर ए स्टूडेंट है ना यू आर स्टूडेंट तुम विद्यार्थी हो नेक्स्ट पायलट बोल रहा है आई एम ए पायलट मैं पायलट हूँ और यू आर ए पुलिस मैन तुम पुलिस मैन हो ऐसे देन नेक्स्ट आ रहा है एम ए आई यू सी अब आप पता है ना आपकी क्लास है ना आप पढ़ रहे हैं जैसे कि हमारे हमारे क्लास में इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनमें से कुछ बच्चे को नाम से मैं आप बताने जा रही हूँ तो जैसे कि अब देखिए आयु नाम है ना है ना आयुषी तो आयुषी कौन है देखिए बोल रही है आई एम आई ओके okay? मैं आयुषी हूँ आई एम आयुषी। मैं आयुषी हूँ एंड आई एम ए गर्ल मैं एक लड़की हूँ अब आयुषी बोल रही आई एम आयुषी मैं आयुषी हूँ एंड आई एम ए गर्ल मैं एक लड़की हूँ देन अब वो अपने क्लासमेट को बोल रही है यू आर आयुष ओके वाई ओ यू या अपने ब्रदर को बोल रही है ओके okay? तो वो अपने ब्रदर के बारे में बोल रही है यू आर आयुष ओके यू आर आयुष मीनिंग तुम आयुष हो वाई मिस तुम वाई ओ यू यू मिस तुम आर मिस हो एंड आयुष मिस आयुष तो तुम आयुष हो एंड यू आर माई ब्रदर ओके तुम मेरे भाई हो तो यहाँ पर यू आर माई ब्रदर तुम मेरे भाई हो ओके okay? अब यहाँ पर आयुषी बोल रही है आई एम ए गर्ल मैं एक लड़की सॉरी आई एम ए आयुषी मैं आयुषी हूँ एंड आई एम ए गर्ल मैं एक लड़की हूँ यू अब आयुषी ही बोल रही है यू आर अब आयुषी जो है आयुषी बोल रही है यू आर आयुष मींस वो दूसरों को बोल रही है आयुषी अपने लिए बोली ना यहाँ पर कि आई एम आयुषी मैं आयुषी हूँ उसने अपने लिए बोला ना एंड आई एम ए गर्ल उसने ये भी बोला कि मैं एक लड़की हूँ अब वो दूसरे के लिए बोलने जा रही है वाई ओ यू ए आर ई आर आयुष यू आर आयुष ओके अब यू मीस तुम होता है वो उसने दूसरे को कहा कि तु, तुम आयुष हो ओके एंड यू आर माई ब्रदर और तुम मेरे भाई हो ओके सो डियर स्टूडेंट आपको मैंने जिस तरह से आई एम और यू आर को टीच कराया है आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम आई एम और यू आर का यूज़ कहाँ पर करते हैं ओके okay? तो मैंने है ना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके थैंक यू